वेलकम टू अभिलाष कोच एंड एजुकेशनिस्ट। स्वागत है आप सभी का चैनल में। आज का टॉपिक है वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है। क्रिया यानी कोई भी कार्य। सो इंग्लिश में वर्ब की वन वर्ड डेफिनेशन जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ी थी वो है एक्शन वर्ड्स। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड इट्स काइंड्स, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ब, एक्शन वर्ड्स। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। परिभाषा, सिंपली इट इज एन एक्शन वर्ड which shows an action done by the subject or by the subjects। किसी भी subject के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही verb category में आता है under parts of speech। We have to understand each and every parts of speech very clearly to identify whether the words are noun or pronoun or adjective or verb or an adverb। This is very important for you to learn and understand whether you wish to speak in English or whether you wish to excel in English writing. Now let us consider some examples. I am going to the market. He is preparing his reports and assignments. One more suggestion I would like to give you. कभी भी examples को टफ या कॉम्प्लेक्स या रेगुलर मत यूज करिए। जैसे राम इज स्लीपिंग, राम इज ईटिंग। यूज दो सेंटेंसेस विच ऑफन आप इस्तेमाल कर सको अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी फैमिली मेम्बर से बात करने में या अपने ऑफिस में कलीग से बात करने में, अपने बॉसेस से बात करने में। ऐसे एग्जांपल्स बनाइए, जल्दी सीखेंगे। सो ये दो सेंटेंसेस, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ही इज प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट्स एंड असाइनमेंट्स, इन दोनों में एक्शन क्या है, गेस करिए। यस, इट इज गोइंग एंड प्रिपेयरिंग। काम कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है आई, सब्जेक्ट कौन है ही, काम क्या कर रहा है गोइंग, प्रिपेयरिंग। सो सच वर्ड्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्ब। As usual, after definition, we jump into the kinds. So, kinds of verb, there are four kinds of verb. The first one is transitive, intransitive, linking, auxiliary. Auxiliary verbs are also called as helping verbs. Now, let us make an acronym, which is definitely a very interesting acronym for the kinds of verb. Let's take out the very first letter of each word. T for transitive, I for intransitive, L for linking, A for auxiliary. Now here you can make acronym tali, clap, or Tila or Lita, whatever is easier for you to remember, to memorize, that you can make. It's not hard and fast that you only make for Tali. That is what I feel, that I will be able to memorize by the acronym Tali. Tali. You can make your own acronym. Transitive verb definition. बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। आई होप नोटबुक एंड पेन लेके आप लोग बैठे हुए हैं टू मेक द नोट्स प्रॉपरली। द वर्ड दैट रिक्वायर्स अनदर वर्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस इट्स कंप्लीट मीनिंग, उन शब्दों को जिन्हें किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होती है ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना पूर्ण मतलब सिद्ध कर सकें। A transitive verb is a verb that accepts one or more objects
दिस कंट्रास्ट्स विद इनट्रांसिटिव वर्ब. दिस स्टेटमेंट सिंपली मीन्स कि इट इज़ ऑपोजिट ऑफ इनट्रांसिटिव वर्ब्स, जिनमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है. इनट्रांसिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं. ट्रांजिटिविटी इज ट्रेडिशनली थॉट अ ग्लोबल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लॉज बाई विच एक्टिविटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एजेंट टू अ पेशेंट. द लास्ट लाइन सीम्स टू बी अ बिट कॉम्प्लेक्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड. डू नॉट वरी, जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट थ्री लाइन्स. वी विल डील मोर अबाउट इट इन डिटेल वेन वी विल मूव इन टू द एडवांस्ड लेवल ऑफ लेक्चर्स. सी द एग्जाम्पल्स. ही किक्ड द बॉल. वॉट इफ देयर वॉज नो बॉल. बॉल नहीं होती तो ही किक्ड वॉट. ही किक्ड, इट्स एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट. इट डज नॉट एक्सप्रेस इट्स कम्प्लीट मीनिंग. ही किक्ड वॉट. He kicked me, he kicked you. So it always requires an object. Rohan gave me a gift. Rohan gave me what? A gift. So to make it more clear, to express its meaning completely, it requires an object. Such verbs are considered as transitive verbs. Intransitive verb. As we have discussed before, it is the opposite to the transitive verb. It limits the action with the subject only. In grammar, an intransitive verb does not allow a direct object. This is a distinctive from a transitive verb, which takes one or more objects. See, all the statements are contrasting what we have discussed in the transitive verb. The verb property is called transitivity. There is a trick. Intransitive verbs are often identified as those that cannot be followed by who or what. Though WH, question asking words hain. इन दोनों को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे जो वर्ब दैट आर द इनट्रांसिटिव वर्ब. थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, ये तभी क्लियर होगा. सी एन एग्जांपल. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. द बेबी स्लीप्स. नाउ हियर द वर्ब्स are clearly identified as those that cannot be followed by who or what. Practice such more examples. Comment your query or doubt in the comment section. Linking verb. Do you know the meaning of linking? Remember when we were dealing with parts of a speech, conjunction, junction, क्या था मतलब? याद नहीं है, so revise करो. Always revise the previous lessons and then join the new lecture. Linking का मतलब same वही होता है, joining. It joins the subject of a sentence to its complement to give a complete meaning. You know, there are homonyms. जिन शब्दों की प्रोनंसिएशन, बोलने का तरीका, कॉम्प्लीमेंट, CUMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट एक और होता है, CUMPLIMENT, दोनों में डिफरेंस है. एक लेक्चर स्पेशली मैं होमोनिम्स के ऊपर डालूंगा, लेकिन आप लोग ये तब तक तैयारी अच्छे से करते चलें. सो लिंकिंग वर्ड are those verb that joins the subjects of a sentence to its complement to give it a complete meaning. Let's see example. I am glad it is holiday. Am is the linking verb. It connects the subject I with the objects glad, complement. There is a difference. I told you complement and compliment. Find it out in the dictionary. I am not going to tell you each and everything.
थोड़ी खुद भी मेहनत करो। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, अ सपोर्टिंग वर्ड यूज्ड अलोंग विद अ मेन वर्ब। याद रखिए सपोर्टिंग वर्ब होते हैं ये हमेशा मेन वर्ब के साथ मोस्टली आते ही हैं। ये हैं इनके कुछ टाइप्स। दिस इज नॉट जस्ट अ चार्ट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अंडरस्टूड इन अ सिंगल लेक्चर, दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। डू यू नो द वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स? इज एम आर वॉज वर्ब इन बींग किसके फॉर्म है? बी के। हैज़ हैव हैड हैव के फॉर्म्स हैं। शैल शुड शैल के फॉर्म्स हैं। विल के फॉर्म्स हैं विल वुड। डू डू डज डन डेड। कैन कुड मे माइट। बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ पता होगी बट इट्स अ वाइड वेरी वाइड टॉपिक। इन सब के यूजेस वी आर गोइंग टू डील इन अ सेपरेट चैप्टर। आई एम नॉट कवरिंग ऑल हियर बिकॉज इट मे कन्फ्यूज यू। द रूल्स मे ओवरलैप क्रिएटिंग कन्फ्यूजन टू यू। सो हर एक वर्ड के अपने रूल हैं। इस कब लगाया जाता है, एम कब लगाया जाता है, आर कब लगाया जाता हैव हैज हैड में क्या डिफरेंस है, विल और वुड क्यों बोलते हैं, मे एंड माइट में क्या डिफरेंस है। वी आर गोइंग टू डील विद इट इन अ सेपरेट लेक्चर। हियर यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ब, जस्ट अंडरस्टैंड। नाउ हियर आर टू पॉइंट्स टू नोट दैट हेल्पिंग वर्ब्स हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन बट दे आर वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। बी इट यू आर स्पीकिंग और बी इट यू आर राइटिंग। वी विल डील विद दिस सेक्शन ऑन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स स्पेशली इन द अपकमिंग वीडियो। Let me tell you one thing very clearly, the responses from the students that I have got is really appreciable. Subscribers की list दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारा जो mission है poor students के लिए कि वो social media के through अपने native place में जहाँ teachers उन्हें नहीं उस quality के मिलते हैं, unfortunately वो भी सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ाई कर सकें। इसलिए दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है टू सब्सक्राइब एंड शेयर आर चैनल ऑन ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप्स, स्टेटस, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अभिलाष कोचिंग एजुकेशनिस्ट सर्विंग टू द स्टूडेंट्स सिंस 2008। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड शेयर आर चैनल ऑन यूट्यूब। Thanks for giving us your valuable time. That's me, Abhilash Sinha. Once again, thank you very much.